आपका ऑरेंज। तो खा दूँ? नहीं मुझे नहीं खाना। पापा ने है जाना, पापा कहेंगे तो मैं खा लूंगी। नहीं पापा ने प्यार से नहीं बोला। और प्यार से कैसे देख रहे हैं? तो ये मिर्च के परांठे बनने की तैयारी हो रही है। ये आइडिया मुझे राहुल ने दिया है कि मिर्च के परांठे बनाते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत बढ़िया, जो अच्छा ना बने तो मैंने दिया आइडिया। नहीं मैं इसकी मिर्च की जो मसाला है ना वो भर के परांठे तो बना चुकी हूँ, लेकिन ऐसे मिर्च कट करके कैसे लगेंगे ये नहीं पता। लेकिन आप कह रहे हो आपने खाया तो अच्छे ही होंगे ना। अच्छा नाइस आइडिया। देखो बाहर कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, मैं इतनी ज्यादा बारिश दिखा के आती हूँ तो इसलिए 3 दिन से बारिश है, 3 दिन से परांठे बन रहे हैं क्योंकि और कुछ खाने का मन करता ही नहीं है। बारिश है। क्या पता है? अच्छा आप पहले बताना सील कहाँ है, तब से पूछे जा रहे हो ध्यान दे नहीं रहे हो। कौन सी सील है ये? Hooded. अभी भी तैयारी चल रही है। ये यहाँ पे सिर्फ ये मिर्च के अचार के छोटे छोटे पीसेस कट करके अब हम लोग इसको परांठे में भरते हैं। इसमें और नमक मिर्च मिलाने हैं शेफ साहब? थोड़ी सी मिर्च डाल देना, लाल मिर्च हरी सी थोड़ी सी, बहुत मामूली सी। मुझे ऐसा लगता है मिर्च रहने देते हैं, सिर्फ नमक डाल देते हैं हल्का सा। चलो आप कह रहे हो तो सिर्फ मिर्च डाल लेते हैं। तो हम इसमें बस हल्का सा नमक और मिर्च मिला के और बस इसके परांठे बनाएंगे अब। चलो लॉकडाउन की क्या अपडेट है? लॉकडाउन खुल जाएगा थर्सडे को। खुल जाएगा रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे वो आज पता चलेगी 12:30 बजे। किया क्या कर रहे हो आप? किया वहाँ पे बारिश देखने के लिए बैठी है कि मैं यहाँ बारिश देखूंगी। क्या टाइम हो रहा है जाना इस टाइम? 12 बज रहे हो और ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल शाम हो गई है, वरना अभी हमें लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने लाइट ऑन करी है क्योंकि अंधेरा हो रहा है। देखो बहुत ही सही वेदर हो रखा है। क्या बारिश का मजा लेने के लिए बैठी हुई है? तो यहाँ पे ना हमारे पास 2 choices थी कि या तो हम आटे के अंदर नमक मिर्च थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करते, नमक मिर्च और अजवाइन, लेकिन आटे में ऐड करना भूल गए थे तो नमक मिर्च अजवाइन और थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने अब ये मिर्च में ऐड करा है और इसको मिक्स करके बस स्टफिंग कर दूंगी। ये चाय राहुल बना चुके हैं तो बस गर्म करके देनी है, उन्हें इंतजार नहीं था। मतलब कि वो 2 दिन से कह रहे थे मिर्च के परांठे बनाते हैं, मिर्च के परांठे बनाते हैं। कल आलू के परांठे हो गए थे तो आज फाइनली हम लोग मिर्च के परांठे बनाने वाले हैं। ये तो हम आज स्पेशली बारिश देख रहे थे, कितनी तेज। मतलब कि जब से मैं आई हूँ ना ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी तेज बारिश देख रही हूँ मैं, वरना मुझे ऐसा लगता था सिर्फ ड्रिजलिंग होती है, तेज बारिश नहीं होती, लेकिन हाँ तेज बारिश भी होती है।
क्या कह रही है? एक पैडल्स पहन के जाना बारिश में। अच्छा भेजो आपको मेरे लेके बाहर जाओ ना मम्मा के साथ क्यों आप जाओ फिर ले लो पूरी। इसलिए आपके पीछे पड़ती है क्योंकि आप इसको मजे कराते हो ना। अच्छा। आप इसको एंजॉय कराते हो तभी आगे एंजॉय तो पापा, पापा। आदमी कर रहा है बस 4 दिन से ठीक है। तो ठीक है ना उसको पापा चाहिए होते हैं ज्यादा। पापा के पीछे लगा दो क्या को और खुद करो एंजॉय। नहीं उसको पापा ज्यादा चाहिए होते हैं। ये देख तो लो बॉल कहां जा रही है। बॉल वहां जा रही है आप वहां जा रहे हो। रुको जाओ पीछे पापा को काम करने दे सोना। पापा को काम करने दो अब। नहीं पापा को काम करना है अब और प्ले नहीं करना है। नहीं चलो जाना जाना आप काम कर लो आप रहने दो इसको ना। मेरे सर पे आके किक मार लो यहाँ आ जाओ पीछे जाओ ना पीछे जाओ पीछे अच्छा पीछे तो जाओ थोड़ा और पीछे जाओ। कैसे जा रही है कैसे जा रही है बस चल उसको रोको ना बिट्टू। क्या हुआ कि देर से तो प्ले कर रहे हैं कि परेशान कर रहे हो आप ऐसे शाउट कर रहे हो मेरे ऊपर ना कट्टे क्यों परेशान कर रहे हो शोना पापा को 2 मिनट रेस्ट करने दो प्लीज। आप यहाँ पे भी तो प्ले कर सकते हो आपके पास इतने सारे टॉयज हैं। क्या इतनी देर प्ले तो किया शोना पापा ने आपके साथ। कैसे 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 वाला दाल से और सबसे। अब ठीक है पापा को थोड़ी देर रेस्ट दो शोना आप जाओ प्ले करो आओ राइटिंग कर लो फिर राइटिंग कर लो आप मेरे पापा शिफ्ट होकर मेरे ऊपर मत आओ। नहीं 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 मैं खाना खा लेता हूँ। नहीं नहीं ऐसे पीछे नहीं पड़ना। हेलो क्या कर रहे हो शोना आप। खुल जाता है। क्या खुल जाता है ये ना ये आपका मन है ये सारे कॉइंस निकालने का। क्या हो गया पापा आ गए जल्दी करो ना। नहीं आप करो आप होल्ड कर। अच्छा मतलब कि ये चीज मेरे ऊपर छोड़ के खुद वाले के बैठ गई हो। सो स्मार्ट शो ना सो स्मार्ट। जल्दी 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 करो चलो मम्मा होल्ड कर रही है। जल्दी ये तो डालो फिर और ले लेना ना। ये किया का पिगी बैंक है इसमें से सिर्फ एक कॉइन निकालने के लिए कहा था और ये प्ले करने लग गई। हो गया क्या सब सब। अरे और यहाँ भी रहता है जल्दी करो। नहीं जल्दी करो पापा आने वाले हैं। इसको टर्न कर दो ना वरना ये वापस से खुल जाएगा। ये लो जाओ रख के उसको।
अरे छुपने की जरूरत नहीं है, को टाइम लगा तो मैं ही खड़े रहेंगे क्या? अरे क्या तू नीचे बैठ गई है? तेरे पास करते हैं ना, पापा को टाइम लगेगा, पापा तो शांत है। सुना पापा तो नहीं आया? क्या करो वहां से मिरर से नजर आ रहा था, ये किया का आई रहा था, कितने हाइट होते हैं, हाइट होते। अच्छा हां सारे मत सारे, ये किया का आई रहा था, चलो हाइट होते हैं, हाइट होते हैं। क्या का है कट हो रहा है अब, रुको सुनो, आगे देखो, आगे देखो, देखा ना मेरी तरफ फेस, इसके और शॉर्ट कर दो वरना फिर जरूरत पड़ जाएगी कुछ दिनों में ना। क्या पापा को देखने दोगे एक बार यार प्लीज? चालू हुआ तो बहुत चालू क्यों? अरे मैंने मैंने ही पहले कट किया था ना, तो मैं ना दोनों शेयर करूंगी, जो मैंने कट किया था वो। हाँ इतना ऊपर भी नहीं, जो आप कट कर रहे हो वो। बस 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 वैसे मेरी सीजर बहुत मोटी थी, आपकी सही है, तो आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, टेंशन ना लो, आप ही अच्छा कर रहे हो, आपको अवार्ड मिलेगा। बस दो मिनट क्या हो गया, लॉकडाउन हेयर कट। ओए ओए बहुत अच्छी लग रही हो, कितनी खुश हो रही है आज, तो पापा है कट कर रहे हैं। दिखा ना, ऑलमोस्ट हो गए ना बराबर। हाँ ऑलमोस्ट पूरे बराबर है, वेरी गुड। साइड से भी करना थोड़े थोड़े ट्रिम, नहीं 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 इतने इतने से बस, वो नहीं करने देंगे ताकि ग्रो हो जाएंगे, नहीं तो इसके बाल ही सारे स्प्लिट एंड हो जाएंगे सारे। अरे थोड़ा थोड़ा करूंगा कुकू। अच्छा हटो फिर, फेस तो क्लीन करने को, आगे से स्ट्रेट कॉम करना। हाँ अभी नहीं कर रहा, एक सेकंड रुको, अभी और बाल ठीक करने। हो गया शोना, हो गया, रो मत, अभी कर, बस बाल ठीक कर दूँगा। ये बस देखो यहाँ से दे रह गया है ना, अब आप हिलोगे तो फिर कैसे होगा? बस हो गया, फिर आपने हाथ अंदर कर लिए ना, कोई बात नहीं है, स्वेटर में निकाल। रुको एक सेकंड, टेढ़े मत हो शिव, सुनो इधर देख लो प्लीज, ये आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट हो। मैंने तो मेरे नए में मैंने कहा चल हो गया, मैं जाओ मौज लो, चलो अब नहीं नहीं करेंगे, दिखाना ना, नहीं नहीं नहीं। अच्छा पहले आप खुद देखोगे, ड्राई होने के बाद ठीक लगेगा, प्लीज ठीक है, मैं नहीं कहता
बराबर हो गया तो? हाँ ये मैं कर दूंगा क्लीन, इधर देखो मेरी तरफ। पापा आपके लिए कोई सरप्राइज लेके आए हैं। क्या क्या बंद कर रहे हो? टीवी। अच्छा पापा को देख के टीवी बंद हो रहा है, क्या लेके आए हैं पापा किया के लिए? चेयर तो लाके देखो, इसके लिए भी ये छोटा बड़ा तो नहीं है। हाँ ये पापा लेके आए हैं ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, अभी सेट करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अपने टॉयज रखोगे उसपे? अच्छा आप इन ड्रॉर्स को टॉयज से भर दोगे या आपकी बुक्स के लिए बुक्स लेके आओ? हाँ बुक्स लेके आओ। कहाँ कहाँ पे आपकी बुक्स? सारी बुक्स लाके रखो यहाँ पे। तो जो यहाँ पे एक मिरर था और एक शोकेस था वो इस साइड हो गया है। ये मैंने कपड़े सुखाए हुए हैं। हाँ जी ओके। तो लास्ट 3-4 डेज से बारिश हो रही है, मैं वेट करके थक चुकी थी तो मैंने अब कपड़े ऐसे सुखा दिए हैं। और यहाँ पे क्या की बुक यहाँ पे ये करती है और इस साइड ये मिरर करती है, तो वहाँ की चीज़ें ऐसे हो गई हैं। अब यहाँ पे किया का टेबल है, ये किया के पापा का टेबल हो गया, ये किया का टेबल हो गया। बुक्स लेके आ शोना, बुक्स कहाँ है आपकी? बुक्स मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही रख। ओके तो ये क्या हो गया आपका, पेंसिल और पेन वगैरह सब इसमें रखना, इसमें बुक्स रखना और यहाँ पे रीडिंग बुक्स रहेंगी। ओके और यहाँ पे राइटिंग बुक्स रहेंगी। अपनी येलो वाली पेंसिल लेके आओ, वहां पे रखो। मैंने क्या बोला है, अपनी येलो वाली पेंसिल लेके आना जरा, येलो पेंसिल। अच्छा यहाँ पे इसका सारा मैस फैला रहता था, अब एटलीस्ट एक टेबल होगा जहाँ पे इसका सब सामान होगा, यहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहेगा क्योंकि लिविंग रूम में ये सब चीज़ें तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है कि अगर कोई स्टेटेबल नहीं था तो वी वर अलाउइंग कि ठीक है इफ़ यू वांट टू डू इट या यू कैन डू। शोना मम्मा ने क्या बोला है, यहाँ पे टॉयज नहीं। मैं तो इसको भी टॉयज से भर देना है, और अब सोच रही हूँ और क्या लेके आऊँ। बुक्स लेके आओ शोना, बुक्स पेंसिल कलर्स। तो हमें ना ये पैम्फलेट मिला है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है इन्होंने कि जो भी वेस्ट है वो अपने घर के बाहर निकाल के रख दो, दीज आर दी डेट्स लाइक नॉट बिफोर एंड नॉट आफ्टर। कि क्या क्या चीज़ें बाहर रखनी है जो आपके घर में वेस्ट है, आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। कि क्या है कि यूजुअली लोग यहाँ पे बाहर रख देते हैं अगर कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन क्या होता है कुछ लोग ना रख तो देते हैं लेकिन कोई उसे ले जाता नहीं करता, वो बहुत टाइम तक बाहर रखा रहता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड वे जो लोगों ने किया है कि अगर कुछ वेस्ट है तो अभी इन इन डेट्स पे ऐसे ऐसे टाइम पे रख दो बाहर एंड दे विल कलेक्ट इट। तो बहुत अच्छे से इन्होंने ब्रीफ करा हुआ है, लाइक दीज आर दी स्टेप्स, लाइक स्टेप 1 कि अगर रिपेयर हो सकता है रीयूज़ हो सकता है रीहोम रीसाइकल, तो उसके बाद स्टेप 2 क्या एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे एंड दिस इज स्टेप 3। तो बड़ा ही अच्छी सिस्टमेटिक वे से चलते हैं यहाँ पे हर चीज़ ना। अभी पूरा टाइम इसी में बिजी रहेंगे,
सुना आप ही की ड्राइंग बुक है, अभी राइटिंग बुक ढूंढ रही है कि इसको राइटिंग करनी है। इसको कहते हैं ना नई नई चीज़ का बड़ा शौक चढ़ता है, यहाँ पे बैठ के अभी राइटिंग करेगी। मैं यहाँ पे किया के लिए आलू की रोटी बनाऊंगी और अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी। नहीं फास्ट नहीं है मेरा, बस मेरा ऐसी मन है कि मुझे रोटी नहीं खानी है, मुझे कुछ लाइट खाना था, तो अभी साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी यहाँ पे, वो खाऊंगी और किया के लिए आलू की रोटी बनाऊंगी। हाँ जी लाओ। क्या नहीं प्लेन पेपर लेके आओ ना, उसे मैं 1 2 3 लिख के आप राइटिंग करते रहना। हाँ इसमें से ही ले आओ, क्या करें। हाँ जी इसी में से ले लो, लेके आओ। तो मैं क्या करती हूँ कि वैसे तो डॉट से बना लेती थी ये, लेकिन अभी इसकी डॉट वाली स्टेज निकल गई है, अभी ऐसे ही राइटिंग कर लेती है, ऐसे करके देती हूँ। ऐसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यूनिकॉर्न। और यहाँ पे ऐसे 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आगे आपको यहाँ पे राइड करना है। ओके ओके। अभी न्यू न्यू टेबल है ना, तो ये राइटिंग भी सही करेगी। मम्मा वो स्टडी टेबल है। हाँ जी हाँ जी स्टडी टेबल है, वहाँ बैठोगे तो वहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी, वहाँ भी ड्राइंग करनी पड़ेगी। हाँ ड्राइंग भी कर सकते हो, लेकिन पहले स्टडी करोगे फिर ड्राइंग। हाँ स्टडी करके ड्राइंग। ओके जाओ आप करो, मम्मा खाना बनाते हैं।